हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो मैं पहुंच चुकी हूं अपनी मम्मी के घर, और ये मेरी सिस्टर की शादी की फर्स्ट रस्म है। तो आज से बाकी सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे उसकी शादी के। तो यहां पर हमारे यहां पहले जो मम्मी लोग के कुल देवता होती हैं उनको निमंत्रण दिया जाता है, तो ये वही वाली रस्म है। और आज ही के दिन मिट्टी खोदना, हमारे यहाँ जो बोलते हैं मांगर माटी, तो मिट्टी खोद के लाया जाता है, उससे चूल्हे वगैरह बनते हैं, उसमें कुल देवताओं का जो भोग वोग होता है वो बनता है। तो वो वाली रस्म यहाँ पर चल रही है। बाकी मुझे इस रस्म का पता नहीं कि इसको क्या बोलते हैं। ये हमारी बड़ी मम्मी हैं दोनों, सिर में जो ये साड़ी वगैरह डाल के इन लोग गेहूँ को शायद कूटते हैं। तो ये वही वाली रस्में चल रही हैं। और जितनी भी हमारे मोहल्ले की सारी लेडीज़ हैं, जितनी भी हमारी सॉरी परिवार की, सभी को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर वही वाली रस्में चल रही हैं, और कुल देवताओं को निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप अच्छे से आके हमारी बच्ची की शादी कराइएगा, और हर साल जितनी भी लड़कियाँ हों शादी लायक उनकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, यही सब यहाँ पर बोला जा रहा। तो वॉइस मैंने हटा दी थी इस, और क्या बोलते हैं, इसके बाद फिर हम लोग को खेत जाना पड़ेगा मिट्टी खोदने, सॉरी खेत नहीं, मतलब जहाँ पे सभी की मिट्टी खुदती है वहीं पे जाना पड़ता है। तो अभी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। और इधर अभी जो ये लोग बड़ी मम्मी लोग जो ये गेहूँ कूट रहे हैं, यहाँ पे चींटी काटना होता है इन लोगों को, क्योंकि इन लोग सर ढक के कूटते हैं तो इनको दिखता नहीं है। तो यहाँ पर सभी बड़ी मम्मियाँ मुझसे बोल रही थी कि चींटी काट दो काट दो, अगर गाली देंगी तो सुन लेना, मतलब कुछ मजाक पैटर्न में होता है। तो अभी जब ये बड़ी मम्मी लोग चेंज करती हैं 7 बार राउंड अपना, और सिर में ये क्या बोलते हैं कपड़े डले डले ही, इनको अपनी जगह एक दूसरे की जगह में सॉरी शिफ्ट होना पड़ता है। तब फिर मैं चींटी काटती हूँ, पर मैं बड़ी मम्मी से बोल देती हूँ कि बड़ी मम्मी मैं धीरे से चींटी काटूँगी, आपको दर्द नहीं होगा। तो होता है जो ननद भाभी होती हैं, पर यहाँ पर हमारी कोई बुआ भी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ही काट दिया क्योंकि मैं थी। तो ये यहाँ पर बड़ी मम्मी लोग बोल रही थी काट दो गाली देंगी तो सुन लेना। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चींटी काटती हूँ, ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद फिर हम सभी लोग अभी जहाँ पर मिट्टी खोदना है वहाँ पर जाएंगे। आज हमारे मांगर मांगर होए जन्म से, तो ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स सारी टोकनियाँ रेडी हो चुकी हैं जिसमें मिट्टी लेके आना है, और कुदारी भी जिससे मिट्टी खोदना है। तो हमारे यहाँ पत्रा में दिखाया जाता है किसके नाम की निकलती है मिट्टी खोदनी, तो यहाँ पर मेरी सिस्टर के नाम की निकली है। तो मम्मी मेरी उसी की ओली वगैरह डाल रही थी, और उसके बाद यहाँ पर मैंने उससे जो उसकी ओली के चावल और पैसे थे मैंने ले लिए थे, क्योंकि उसको पल्लू में बांधा जाता है। और यहाँ पर हम लोग सब जा रहे थे मिट्टी लेने के लिए, पर लड़कियाँ ज़्यादा नहीं थी, वैसे तो 7 लड़कियाँ होनी चाहिए पर थी नहीं इस समय पे कोई भी, क्योंकि सारी स्कूल जा चुकी थी। तो मेरी चाची की बेटी बस थी और मेरी सेकेंड नंबर वाली सिस्टर, तो वही हम सब लोग गए। और ज़्यादा दूर नहीं था जहाँ हमें मिट्टी लेने जाते जाना था सॉरी, तो ये हमारे घर के पीछे ही है। तो हम लोग ये यहाँ पर आ गए थे, और यहीं पर सभी की जितने भी हमारे परिवार में रिलेटिव्स जिसकी भी शादी होती है यहीं से लेके जाते हैं मिट्टी। तो यहाँ पर आके पहले जहाँ से मिट्टी लेना पड़ता है वहाँ पे पूजा वगैरह करनी पड़ती है। तो सारी रस्में जो हैं मेरी बड़ी मम्मी कर रही हैं, जितने भी कुल देवताओं की उनकी रस्में हैं वो सब मेरी बड़ी मम्मी करती हैं। तो यहाँ पर हमारी बड़ी मम्मी पूजा वगैरह करेंगी, और मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाऊंगी पूरा जंगल जैसा एरिया है, क्योंकि ये नदी वाला एरिया है, नदी है यहाँ पर अब कोई नदी जाता नहीं है ज़्यादा, कोई आता जाता नहीं इस तरफ, इस वजह से यहाँ पर पूरा सुनसान एरिया है। तो ये देखिए बड़ी मम्मी हमारी यहाँ पर पूजा कर रही हैं, और उसके बाद यहाँ से मेरी सिस्टर मिट्टी खोदती है। यहाँ पर बहुत सारी रस्में होती हैं, मुझे और बाकी चीज़ों का पता भी नहीं है।
तो ये देखिए पूरा जंगल जैसा एरिया है। यहाँ पर एक्चुअली खेती भी होती है, पर अभी इस समय गेहूं का सीजन चल रहा है तो गेहूं नहीं बुबा है। और यहाँ पर मेरी सिस्टर खोद रही है मिट्टी। सभी लोग बोल रहे थे कि थोड़ी जोर से खोदो, पर उससे बन ही नहीं रहा था अच्छे से। ये देखिए तो यहाँ पर मिट्टी इतनी खोदनी है जितने में मम्मी लोग के जो वो 7 चूल्हे वगैरह बनने होते हैं वो बन जाए। तो छोटे छोटे 2-3 बनने होते हैं और एक ही बड़ा चूल्हा बनता है, तो इतनी मिट्टी चाहिए होती है। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर अभी खोद ही रही है, उससे बन नहीं रहा था। फिर मेरी चाची की बेटी ने भी थोड़ी बहुत खोदी थी मिट्टी, और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी 7 टोकनियों में रख दिए हैं ताकि इन लोगों को ले जाने में आराम से इजी हो। और ज़्यादा नहीं रखे थे वैसे तो, थोड़ी बहुत थी। तो यहाँ पर हम सभी आ चुके थे मिट्टी लेकर के, और मम्मी हमारी मिट्टी में पानी वगैरह डाल रही थी क्योंकि चूल्हे हमारी बड़ी मम्मी बनाएंगी। और यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ हैं आती हैं फ्रेंड्स हमारे यहाँ, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि उनको तिल का तेल दिया जाता है जो भी आती हैं इस फंक्शन में। तो सभी लोग जा चुके थे, उसके बाद मम्मी मेरी ये सिस्टर की पता नहीं कितनों को मालूम है कि झांपी जाती है मायके से, तो वो बनने की तैयारी हो रही थी। तो कुछ मम्मी ने बना लिया था, अभी उनको शीरे में डालना बाकी था और कुछ अभी बनना बाकी था, गुजिया वगैरह भी, मावा वगैरह भूंज के मेरी सिस्टर ने रखा था। और यहाँ पर मेरी छोटी वाली सिस्टर और मेरे बेटे को देखिए, इनकी मस्ती ख़त्म ही नहीं होती है। ये अपनी फाइल वगैरह जमा रही थी तो उसको जमाने नहीं दे रहा था। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे आना था घर, तो मैं रात को आ गई थी घर क्योंकि मुझे अगले दिन फिर जाना था। तो यदि ये छोटा सा वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के